अपना डॉक्टर अपने आप, बी योर ओन डॉक्टर, मतलब आज आप थ्योरेटिकल डॉक्टर बन जाएंगे। डॉक्टर का मतलब रोग को पहचानना, उसके कारण को जानना और उसके निवारण को जानना, बहुत ही सरल तरीके से। चिकित्सा क्रम, तीन दोष, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। वात दोष को अंग्रेजी में गैस बोलते हैं, पित्त दोष को एसिडिटी और कफ दोष को कफ। आयुर्वेदिक जो सभी पद्धतियों की मेन मुख्य है आयुर्विज्ञान, वो कहती है कि जितने भी सारे रोग हैं, बीपी है, डायबिटीज़ है, अर्थराइट्स है, माइग्रेन है, कब्ज है, पेचिस है, यूरिन संबंधी प्रॉब्लम है, मेंसन संबंधी प्रॉब्लम है, लंग्स संबंधी, जितने भी रोग है, इन सभी रोगों को उन्होंने तीन भागों में वर्णित किया है। मन तीन दोषों के अंतर्गत आते हैं। वो कैसे, वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले इसका लक्षण है, वात दोष का मतलब गैस माना वायु। हमारे शरीर में जो वायु है, और वायु जहाँ भी रुकती है, टकराती है, वो दर्द पैदा करती है। अगर वो पेट में रुकी हुई है तो पेट में दर्द, कमर पे रुकी हुई है तो कमर में दर्द, छाती में अगर रुक जाती है तो छाती में दर्द, घुटनों में रुक जाती है तो घुटनों में दर्द। माना शरीर के जिस जिस अंग में वायु रुकती है या टकराती है, वहाँ आपको सिम्टम्स आएगा दर्द। तो वात दोष का जो मुख्य लक्षण है, दर्द। दूसरा है डकारें। डकारें मतलब जो गैस नीचे से नहीं निकलती है और ऊपर से निकलती है, तो वो डकारों के रूप में निकलती है, तो वो भी गैस का ही लक्षण है। तीसरा है चक्कर आना, घबराहट, हिचकी, ये भी गैस का ही है। जब गैस ऊपर बढ़ती है तो हिचकी आती है, सिर तलक पहुंचती है तो घबराहट होती है, चक्कर आते हैं, ये सारे जो तीनों लक्षण है गैस के हैं। गैस माना दर्द, दर्द, दर्द। शरीर में कहीं भी दर्द हो, आप ये समझ लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर वायु रुकी हुई है जो बाहर नहीं निकल पा रही है। ठीक, अब इनके कारण क्या है वात दोष के, वायु रोग के? इनके कारण तो बहुत हैं, परंतु मुख्य जो हैं, मुख्य वो तीन कारण हैं। पहला कारण है गैस उत्पन्न करने वाला भोजन। कौन सा? हर प्रकार की दालें। जब भी अपन दालें अंदर अति मात्रा में खाते हैं और वो डाइजेस्ट नहीं होती हैं, तो तुरंत गैस फॉर्मिंग हो जाती है। दालें एक प्रोटीन है, प्रोटीन आइटम बच्चों को ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि उनका ग्रोथ होना है, शरीर बनना है। जब हम लोगों का शरीर ग्रोथ हो चुका है, पूरा बन चुका है, इससे ऊपर बढ़ना नहीं है, और अगर ज़्यादा लेते रहेंगे तो शरीर फैलता जाएगा, ओवरवेट होता जाएगा और अंदर गंदगी बढ़ती जाएगी और दर्द के रूप में आपको तकलीफ देगी। जब दालें डाइजेस्ट नहीं होती है तो एक तो गैस बनाती है, दूसरा यूरिया, यूरिक एसिड वो बनाती है, और यूरिया भी पॉइजनस चीज़ है, और यूरिक एसिड यूरिन के ज़रिए निकल जाता है। अगर वो नहीं रुकता है तो जॉइंट्स में रुकता है, और जहाँ जहाँ जॉइंट्स में रुकता है, वहाँ जो बॉल एंड सॉकेट घुटनों में रहते हैं, उनका फ्लूड धीरे 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 वो सोखता जाता है, फिर आवाज़ आना शुरू हो जाती है और वो हड्डियाँ घिसना शुरू हो जाती है और वो दर्द हमेशा बना रहता है। तो बेटर ये है कि जितनी भी 25, 30, 40 साल के बाद ओवर एज वाले हैं, वो दालें ना के बराबर लें, या सप्ताह में थोड़ी बहुत 50-100 ग्राम बस। क्योंकि सिर्फ अपन को जो सेल्स के टूट फूट आए हैं, उनके रिपेयरिंग के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। दूसरा है बारीक आटा। अपन जो आटा घर में गेहूँ पिसवाते हैं, वो इतना बारीक पिसवाते हैं, जो उनमें पोषक तत्व रहते हैं, आयरन वगैरह, ये सारे के सारे बी कॉम्प्लेक्स वगैरह सब नष्ट हो जाते हैं, रफेज बिल्कुल नहीं रहता है, और वो आंतों में जाकर चिपकता है,
और जैसे ही चिपकता है सूखता है और वो नमी पाकर फिर गैस फार्मिंग कर देता है, तो उससे भी दर्द बढ़ जाते हैं। जिनको दर्द है वो अगर छोड़ देंगे उसी टाइम से उनका दर्द में निवारण होना शुरू हो जाएगा। तीसरा है मैदे की वस्तुएं और बेसन की वस्तुएं। मैदे की वस्तुएं माने ब्रेड, बिस्किट, टोश, पकोड़े, कचौड़ी, समोसे, ये बेसन की चीज़ें। ये जैसे ही बॉडी में अंदर जाती है कोई स्वास्थ्य नहीं देती हैं, सिर्फ मन को टेस्ट देती हैं और अंदर गैस फॉर्मिंग करती है। और वो गैस अगर नीचे से निकल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नहीं निकलती है तो जहाँ रुकती है वहाँ दर्द। तो पहला कारण जो है गैस उत्पन्न करने वाला भोजन, दालें, बारीक आटा, मैदे व बेसन की वस्तुएं। दूसरा कारण भोजन के मध्य ठंडा पानी या ठंडे पदार्थ सेवन करना। ये कैसे गैस बनाते हैं वो समझ लीजिए। अपन भोजन खाते हैं, मुख से होकर के, ईसोफेग्स से होकर के स्टमक में आता है। जब अपन भोजन करते हैं तब आप पेट पर हाथ लगा के देखिए, बहुत ही गर्म दिखेगा। क्यों? उस समय जठराग्नि जो है तेज़ हो जाती है और डाइजेस्टिव जूसेस निकालते हैं, वो इतने गर्म और डाइजेस्टिव रहते हैं जो भी भोजन आया है उसको पचाना शुरू कर देती हैं। जब ये जठराग्नि तेज़ होती है, गर्म होती है, इसके मध्य में अगर आपने ठंडा पानी बर्फ़ का या कोल्ड ड्रिंक्स या आइसक्रीम डाल दिया तो क्या होगा, जठराग्नि शिथिल पड़ जाएगी, धीमी हो जाएगी, जो आपका भोजन है वो पचेगा नहीं, अपच होगा और वो वहाँ पर तैरता रहेगा, सड़ेगा, गैस फार्मिंग करेगा। पहला ही पहला इंडिकेशन आपको यहीं में होगा, पेट में दर्द। आपने कभी कभी देखा भी होगा कि हम भोजन खाते हैं, खा तो लेते हैं टेस्टी के हिसाब से, बहुत ज़्यादा ही खा लेते हैं, और खाने के बाद जब हम रिलैक्स होकर आते हैं तो दो अपन को अनुभव होता है, क्या? एक तो पेट में भारीपन और कभी कभी दर्द। वो ये है कि जठराग्नि जो है आपकी कमज़ोर है, वीक हो गई है, धीमी हो गई है। तो जठराग्नि को तेज़ करना है तो केवल जो है आहार ले रहे हैं बस उसको पचने दीजिए। ओके, चलिए। तो दूसरा कारण है भोजन के मध्य ठंडा पानी या ठंडा पदार्थ सेवन नहीं करना। जो अपन करते हैं इसका कारण गैस फार्मिंग है। तीसरा है आंतों की कमजोरी। आंतों की कमजोरी का मुख्य कारण है व्यायाम, परिश्रम नहीं करना, भोजन डट कर खाना और खाने के बाद ऑफिस में, दुकानों पे जा कर के सिर्फ बैठ जाना या सो जाना। तो जो भोजन है वो नहीं पचता है, जहाँ पच भी जाता है तो उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो बाहर नहीं निकलते हैं, और वो वेस्ट प्रोडक्ट जहाँ जहाँ अटकते हैं वहाँ वहाँ गैस फार्मिंग करते हैं, रोग पैदा करते हैं। तो आंतों को जो कमज़ोरी है वो आंतों के आप व्यायाम करेंगे उससे सही हो जाएगी। ये सारे मैं बताऊंगा आपको, ये लक्षण हो गए, कारण हो गए। अब आप आइए निवारण। निवारण दो तरीके से, एक तो अंदर जो प्राकृतिक औषधियां कुदरत ने बनाई है हर एक रोग को दूर करने के लिए, वो सबसे ज़्यादा बढ़िया इफेक्ट है, कोई साइड इफेक्ट नहीं और जड़ से ठीक करती हैं। तो एक तो प्राकृतिक औषधियाँ और दूसरा बाहरी जो प्राकृतिक उपचार है वो, ये दोनों आप समझ लीजिए। और हमने यहाँ पर सिर्फ ऐसे उपचार आपको हम बता रहे हैं घर के लिए जो इजीली आप कर सकते हैं, और जो औषधियाँ हैं आपके घर में जो रूटीन में रोज़ अवेलेबल रहती है वो ही है, उसके लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप देखते जाइए कैसे ठीक होंगे। निवारण प्राकृतिक औषधियां, सबसे पहले है अदरक, जिंगर,
आपने देखा होगा अदरक सभी के घर में रहती है। अदरक का मुख्य कार्य है, अगर आपके शरीर में गैस रुकी हुई है उसको बाहर करेगी, और जहां जहां दर्द होगा वहां वहां आपको दर्द में राहत मिलेगी। और अदरक का दूसरा काम है, जो अगर कफ आप में जमा हुआ है छाती में वो भी निकालेगी, ब्लड को पतला करने में इसी का हाथ है। तो अदरक बहुत सही है, और जो सर्दी के कारण जिनको ज्वाइंट्स पेन रहता है और रात को जब सोते हैं और जब सुबह उठते हैं तो उनके पूरे जोड़ में भयंकर दर्द रहता है और जकड़े हुए रहते हैं, तो आप क्या करिए, रात को सोते समय पिसा हुआ सौंठ माना अदरक सूखे फार्म में, उसका आधा चम्मच से भी थोड़ा कम और एक चम्मच शहद डाल करके रात को चाट के सो जाइए, तो समझ लो आपको पूरी रात जो ठंड के कारण दर्द होने वाला था, रोग बढ़ने वाला था, वो नहीं बढ़ेगा और ठीक होना ही शुरू हो जाएगा। क्लियर? जहां जहां आपको क्लियर ना हो आप पूछते रहिए, मैं धीरे धीरे आपको क्लियर बताऊं, ये सारे घर के उपाय बताते जा रहे हैं आपको। सेकेंड औषधि है लहसुन, गार्लिक है छोटी सी परंतु इसका लाभ बहुत अच्छा है, बहुत अधिक है। पहला इसका लाभ है, जो भी आपके शरीर में जहां भी गैस रुकी हुई है उसको बाहर करेगी, पहला पहला इसका गुण है। और जो भी दर्द है, ज्वाइंट्स पेन है, पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, दर्द में राहत देगी और जड़ से ठीक करेगी। दूसरा इसका काम है खून को पतला करना, ब्लॉकेज खोलना, जो हमारी आर्टरीज वेन में जो रक्त का दौरा चल रहा है, जो अपन कोलेस्ट्रॉल वाली आइटम्स माना चिकनाई वाले आइटम ज़्यादा लेते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, तो जो आर्टरीज वेन जो रक्त लेके जा रही है उनके अंदर के जो पाइप हैं उनकी सतहों पर वो कोलेस्ट्रॉल जमता जाता है, तो उनके छिद्र पतले हो जाते हैं, तो हार्ट को पंप करना पड़ता है ज़ोर से, जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और ये लहसुन क्या करती है, वो जो ऊपर से जो तह जम गई है ना कोलेस्ट्रॉल की, वो धीरे धीरे रिमूव करके क्लियर कर देती है और उनके छिद्र स्वाभाविक रूप से खोल देती है। और को जो हार्ट ब्लॉकेज है, सपोज आप घर में बैठे हैं और अचानक ही अगर कोई अपना ऐसा महसूस हो रहा है कि भयंकर सीवियर पेन है और हार्ट का प्रॉब्लम ऐसे महसूस हो रहा है, आप कुछ मत सोचिए, उस समय जो आपके घर में लहसुन जहाँ रखिए उठा करके और तुरंत खा लीजिए, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं पाँच दस खा लीजिए, छीलिए भी नहीं, तुरंत खा लीजिए, क्योंकि उस समय सोचना नहीं है। और वहाँ तुरंत जैसे ही अंदर लहसुन गई, आपकी जो हार्ट की जो टीन आर्टरीज हैं जो ब्लॉक होती है जिसके कारण हार्ट अटैक होता है, तुरंत खुल जाता है। डॉक्टर के पास जाने में भी 15 मिनट लगेंगे, 15 मिनट में क्या हो सकता है, कुछ नहीं, परंतु ये वही है। और डॉक्टर के पास जाने के बाद भी जो आपको इंजेक्शन लगाएंगे वो इसी का ही एसेंस होता है, क्योंकि लहसुन में एक डाइल सल्फाइड रहता है, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड रहता है, ये दोनों अंदर ये काम करते हैं। ओके चले, और तीसरा है लहसुन कफ संबंधी रोग जितने भी हैं, सर्दी जुकाम खांसी, उनको ठीक करता है, इवन टीबी के कीटाणुओं को भी किल करता है। बहुत सरल औषधि है, हर किसी के घर में अवेलेबल है। लेना कितनी है, 2 कली सुबह ठंड के मौसम में, 2 कली शाम को, गर्म के मौसम में 1 सुबह 1 शाम, परंतु लेनी कच्ची है और वो भी किसी चीज के साथ मिला के, अकेली नहीं, या तो 1 कली लेकर के उसको थोड़ा सा कूट लीजिए, जूस पी रहे हैं तो जूस में डाल के ले लीजिए, या जब आप भोजन कर रहे हैं तो सलाद के 2 पीस उसके बीच में रख के खा लीजिए, या आपकी सब्जी जो परोस के आ रही है उसमें कतरन कतरन डाल करके और रोटी के साथ खा लीजिए। मतलब लहसुन अकेले नहीं खाना है, क्योंकि गर्म भी है बहुत, उसका तासीर गर्म भी है, तो उसमें 2 गुण आपको उसके मिलेंगे, एक तो जो उसमें स्मेल रहती है बहुत कड़वी रहती है, आप जैसे खाने के बाद अगर किसी के समक्ष आप खड़े रहेंगे तो जो आपकी स्मेल है वो उनको महसूस होगी, तो जो दूसरे चीज़ के साथ मिला के खाएंगे तो आपको एक तो स्मेल नहीं जाएगी दूसरे में, और दूसरा इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो दूसरी चीज़ के साथ खाने से उसमें जो वाटर रहता है वो उसमें मिल जाएगा, तो जो सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड है वो डाइल्यूट हो जाएगा, तो वो किसी प्रकार का नुकसान नहीं करेगा। और अगर कंटिन्यूशन में आप सोचेंगे नहीं भाई हम तो ऐसे ही लहसुन खाते हैं
एक दो दिन, चार दिन, पाँच दिन, सप्ताह भर खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, परंतु अगर कंटिन्यू में दो तीन महीने खाएंगे तो क्या होगा, ये जो अपनी अंदर की जो पतली और म्यूकस मेम्ब्रेन है पूरे शरीर में, वहीं छाला कर सकती है। तो इसलिए सावधानी के तौर पे किसी चीज़ के साथ मिला के खाइए। क्लियर? चटनी में ले सकते हैं, किसी में भी ले सकते हैं, ठीक है। तीस हैं, कच्चे कोई चीज़ के साथ मिला के खाएं तो आपके लिए अच्छा है। नेक्स्ट है मेथी दाना। मेथी दाने गर्म रहते हैं और दर्द को दूर करते हैं। खाना कैसे है, तीन तरीके हैं। एक तो मेथी दाने को एक चम्मच लेकर के एक गिलास पानी में डाल दीजिए, सपोज शाम को आपने भिगोने रख दिया, सुबह वही छान करके आप पानी पीजिए और जो मेथी दाने बचे वो नरम हो जाएंगे, वो रोटी के साथ सब्जी में मिला करके खा लीजिए। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है मेथी दाने का एक चम्मच फाक के ऊपर से पानी पी लीजिए। तीसरा ये है कि मेथी दाने को पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए, एक चम्मच फाक के ऊपर पानी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तीन तरीके हैं, कोई सा भी जो आपको तरीका है वो आपको लाभ मिलेगा। क्लियर? जहाँ जहाँ आपको क्लियर नहीं हो आप पूछ सकते हैं। हैं, खाली पेट जो भी औषधियाँ लेनी है, खाली पेट मॉर्निंग में, अर्ली इन द मॉर्निंग, या फिर शाम को ले सकते हैं जब पेट आपका खाली हो, तो वो दवा का काम करेगी। और अगर भोजन के मध्य खाएंगे तो वो भोजन का ही काम करेगी, ठीक है। चलिए, अब ये हो गई प्राकृतिक औषधियाँ, बहुत सरल हैं, इजी हैं, घर में आपके अवेलेबल। आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा कितना लाभ हो रहा है, सच्चा लाभ, सही लाभ है। प्रकृति के द्वारा दी गई औषधियाँ, भगवान के द्वारा दी गई औषधियाँ। नेक्स्ट है प्राकृतिक उपचार, माना बाहर से उपचार क्या करें। सपोज पेट में दर्द है या और कहीं दर्द है, पेट में एक गीला कपड़ा लेकर के छोटा सा तौलिया, पेट का पोचा लगा दिए। पेट का पोचा माना बीच में नाभि है, गीला कपड़ा लेकर के राइट साइड से नाभि के ऊपर फिर नीचे क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट कीजिए। रोटेट करने का मतलब क्या है ये देख लीजिए, गैस जो फंसती है रुकती है इन आंतों में रुकती है, पेट पेट में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में। तो जब अपन पेट का पोछा लगाएंगे तो ये जो बड़ी आंत है इसको रोटेट करके जाएंगे ऐसे, तो इसमें जहां गैस फंसी होगी वो निकल जाएगी और उसके पेट के पोछे को लगाने से इसकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, बड़ी आंत की, क्योंकि ठंडक से इसकी कार्य क्षमता बढ़ती है और जो मल चिपका रहता है वो भी उखड़ता है, बैक्टीरिया ज़्यादा पनपते नहीं है और डाउन हो जाते हैं, तो ये गैस यहाँ से आपके प्रॉपर वे में निकल जाएगी, रास्ता बन जाएगा। इसलिए पेट का पोछा सिर्फ घड़ी देख के एक मिनट बहुत है, एक मिनट भी। नेक्स्ट है पेट पर गर्म ठंडा सेक। आंतों की कमजोरी है, गैस फंसी हुई है, दर्द कर रही है, तो गर्म ठंडा सेक करना है। कैसे करना है, एक गर्म पानी की थैली घर में हर किसी के पास होगी, उसमें गर्म पानी डाल दीजिए, लेट करके दो तीन मिनट अच्छी तरह पेट की सिकाई कर लीजिए, वो हटा करके एक मिनट छोटा सा तौलिया ठंडे पानी से डुबो करके बिछा दीजिए, फिर वो हटा दीजिए गर्म पानी की थैली से, फिर दो तीन मिनट सिकाई कर लीजिए, फिर वो हटा दीजिए एक मिनट ठंडे पानी का तौलिया बिछा दीजिए, ऐसे तीन बार करना है। इससे आपकी आंतों की जो कमजोरी है वो भी ठीक होगी, पाचन शक्ति बढ़ेगी, कब्ज दूर होगा, गैस बाहर निकल जाएगी और दर्द में राहत मिल जाएगी। क्लियर? दूसरा इसमें आपको मैं एक और बात क्लियर कर दूं, कभी कभी क्या रहता है कि किसी भी अंग में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, कंधों में दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, अब अपन को सिकाई करनी है। अब सब जगह गर्म ठंडी सिकाई करें या गर्म करें या सिर्फ ठंडी करें, उल्टा कभी नहीं करना। मैं इसका प्रोसीजर बता देता हूँ। कभी कभी क्या रहता है कि हमें मालूम है दर्द बहुत है, भाई ठीक है गर्म पानी लेकर के सिकाई करो, तो कभी कभी अपन गलत कर सकते हैं उल्टा, जबकि वहाँ गर्म नहीं करनी है और ठंडी करनी थी। तो इसका एक प्रोसीजर है, आप समझ लीजिए, जिस अंग में भी आपको दर्द है, तकलीफ है,
आप उस अंग को पहला निरीक्षण कर लीजिए, काय से अपना हाथ है ना, कोई नहीं है, हाथ लगा के देख लीजिए, पेट है, पेट पे हाथ लगा के देखिए, अगर पेट गर्म है तो केवल ठंडे पानी की पट्टी दे दीजिए, माना ठंडी सिकाई, तो तुरंत राहत, उसमें गर्म नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी गर्म है, और फिर अब गर्म देंगे तो और दर्द बढ़ेगा। गर्म का मतलब यह है कि वहां ब्लड सर्कुलेशन एकदम बहुत अति ज्यादा है, वहां से ब्लड सर्कुलेशन को हटाना है तो ठंडी पट्टी देना है, ठंड से ब्लड सर्कुलेशन वहां से हट जाता है। और अगर दर्द है पेट में और पेट पर हाथ लगा के दे रहे हैं, देख रहे हैं कि बहुत ठंडा है, बर्फ की तरह बना हुआ है, तो आप सिर्फ गर्म करिए, सिर्फ गर्म, वहां ब्लड सर्कुलेट नहीं था, खिंच के आ जाए, गर्म से ब्लड सर्कुलेशन खिंच के आता है और ठंडक से वापस चला जाता है। और अगर आप हाथ लगा के देख रहे हैं कि महसूस हो रहा है कि न गर्म है न ठंडा है, तो वो गर्म ठंडा सेक, 3 मिनट गर्म 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म 1 मिनट ठंडा, क्लियर। बाहरी उपचार में पेट पर गर्म ठंडा सेक या घुटनों पर, कमर पे, जहां जहां दर्द आप कर सकते हैं। पहला था पेट का पोचा, दूसरा था पेट पर गर्म ठंडा सेक, और तीसरा है पेट की लपेट। एक 10 इंच चौड़ा कपड़ा रहता है और लंबा करीबन 2 मीटर रहता है, उसको रोल करके पानी में डुबो के अच्छी तरह निचोड़ लीजिए, पेट के चारों तरफ लपेट दीजिए, उसके ऊपर ऊनी मफलर, शाल या पट्टी वो बांध दीजिए। वो बांधने से क्या है, आपका गैस का प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा, पाचन शक्ति बढ़ेगी, कब्ज दूर होगा, वो लपेट, और वो 1 घंटे के लिए बांध सकते हैं या तो कम पीरियड के लिए बांधें। लास्ट में है एनीमा। अगर आपका शरीर में दर्द है, सिर्फ आप एनीमा ले लीजिए कुनकुने पानी के, जैसे आपने एनीमा ले लिया ना, तो जो अंदर मल रुका हुआ था, जो अंदर सड़ रहा था और गैस फॉर्मिंग कर रहा था, दर्द दे रहा, तुरंत निकल जाए, एकदम राहत, और जड़ से राहत, ये तुरंत राहत देना। टेबलेट लेंगे तो आपका चाहे सिम्टम्स खत्म कर देगा, दर्द बताने वाली जो नर्व है उसको सुन कर देगा, फिर अगर उसका दर्द का इसका असर खत्म हो जाएगा दवाई का, फिर चालू रहा, पर एनीमा लेने से परमानेंट परमानेंट राहत, हर प्रकार के रोग कोई सा भी हो। ये भी कल मैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। ये आपका वात दोष क्लियर हो गया, माना आप इतना पहचान लेंगे कि अगर आपके शरीर में कहीं भी दर्द है तो समझ ला वात दोष है। जिनके लक्षण भी आप समझ गए, कारण भी समझ गए, निवारण भी समझ गए, उसकी औषधियाँ भी समझ गए और उपचार भी समझ गए, बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये आपको लिखा हुआ मैटर हम दे देंगे आपको। अब आप आइए दूसरा दोष क्या है, एसिडिटी, पित्त दोष, तीसरा है कफ दोष। तो पहले अपन गैस दोष लिया था, अब कफ दोष लेते हैं, इसको बाद में लेते हैं। अब आप आइए कफ दोष, कफ दोष का मुख्य जो है लक्षण है बलगम। अगर बलगम है आपका गले में रुका हुआ, नाक से निकल रहा है, तो समझ लीजिए कफ दोष बढ़ा हुआ है। कफ दोष माना छाती से ऊपर के रोग, रेस्पिरेटरी रोग, श्वसन तंत्र के रोग, तो इनमें लक्षण रहता है बलगम। दूसरा लक्षण आता है सर्दी, जुकाम, खांसी, और तीसरा लक्षण आता है श्वास लेने में तकलीफ। आपने देखे होंगे जिनको अस्थमा होगा, ब्रोंकाइटिस होगा, श्वास ले नहीं पाते हैं, या उनको जहां रहते हैं अगर उनके ऑक्सीजन नहीं है तो बाहर चले जाते हैं, तो श्वास लेने में तकलीफ, या सीढ़ी चढ़ने में हाफना, काम करने में एकदम जल्दी थकावट आ जाना, ये लंग्स की वीकनेस, कमजोरी है। इसको कैसे सशक्त करना है वो आपको बताते हैं। ये 3 लक्षण आपने देख लिए, पहला है बलगम, दूसरा है सर्दी, जुकाम, खांसी, और तीसरा है श्वास लेने में तकलीफ। अगर ये तीनों हैं तो आप पहचान जाइए कि कफ दोष बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अब इस कफ दोष में सिर्फ 7 बीमारियां आती है, वो 7 सिर्फ आप नोट कर लो, कौन सी, पहली सर्दी, दूसरी जुकाम, तीसरी खांसी, चौथा दमा, पांचवां टीबी,
छठा पिल्यूरिसी और सातवां निमोनिया। ये सब बीमारी कैसे बढ़ती जाती है मैं सब क्लियर आपको बताता जाऊंगा। आगे चलते हैं। कारण, कफ दोष की सातों बीमारियां हो गई, ये सातों अगर बलगम है, सर्दी जुकाम श्वास लेने तकलीफ है, माना इन सात बीमारी से। जो मैंने अस्थमा बताया, पिल्यूरिसी बताया, निमोनिया बताया, ब्रांकाइट्स, ये क्रॉनिक है, ये लंग से संबंधित है और बाकी जो है छोटी मोटी है। सिम्टम्स पहले ऐसे आएंगे, बलगम, नाक से कफ बहना। अब आप आ जाइए कारण। इनका मुख्य पहला कारण है तेल व चिकनाई वाली वस्तुओं का अधिक सेवन, माना तली हुई चीजें। जो घर में जिसमें ज्यादा तेल डाल करके आप बना रहे हैं, कफ दोष बढ़ता है। क्यों? उस आयल को हजम करने वाला लीवर है जो ड्यूडोनम में डाइजेस्ट करता है उसको। भोजन के जो पांच घटक बता दे, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहाँ होता है, प्रोटीन का डाइजेशन ये खटास के माध्यम में होता है, और जो फैट्स का है वो इधर ड्यूडोनम नर्व, ये नली रहती है छोटी आंत और के ऊपर रहती है ड्यूडोनम, उसमें ये लीवर है, लीवर में ये देख रहे हैं पित्त थैली, इसमें से बाइल आता है, वो उस जो कफ वाली चीज़ें हैं, आयल है, उसको डाइजेस्ट करता है। तो अब जिसके शरीर में कफ बढ़ा हुआ है, चिकनाई पहले से ज़्यादा है और लीवर काम नहीं कर रहा है, या पित्त दोष या पित्त जो है बाइल डक्ट से वहाँ नहीं पहुँच रही है, तो वो आयल आपका डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो आयल क्या करेगा, पहले वो ऊपर से ही बलगम के रूप में बाहर निकालेगा। अगर हमने क्या किया, समझदारी, डॉक्टर के पास गए, अरे जुकाम हो गया है, तुरंत टेबलेट ले ली, दबा दिया, वो कन्वर्ट हो गया खांसी में। 8, 10, 15, 20, एक महीना आपको रिलीफ मिल जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा खांसी में। फिर डॉक्टर के पास कहेंगे, डॉक्टर साहब खांसी हो गई अब तो, बोले घबराइए ना, मैं अच्छा ये कैप्सूल लिख के देता हूँ, सब दवा है हमारे पास, बस फीस देते जाइए और हमारा ग्राहक बनते जाइए। वो आपको डोज देगा, आपकी वो जो खांसी है बंद हो गई। कुछ दिन बाद, 15-20 दिन, एक महीने के बाद, वो कुकर खांसी पुरानी खांसी में कन्वर्ट हो गई। फिर डॉक्टर के पास गए, घबराना नहीं है, आपको इसकी भी मैं औषधि देता हूँ, वो दे देते हैं। वो औषधि ली, क्या किया उन्होंने बाद में, ब्रांकियल ट्यूब में इफेक्ट कर दिया, श्वास लेने में तकलीफ। जब श्वास लेने में तकलीफ और ऊपर से आपका आयल बरकरार चालू है, डॉक्टर से पूछे क्या परहेज करें, बोले कुछ नहीं, खाते रहिए सब। यहाँ जो श्वास की नली है वो पतली होती जाएगी, श्वास लेने में दिक्कत, लंग्स का प्रॉब्लम क्रिएट शुरू, पिल्यूरिसी भी हो जाएगा, दमा भी हो जाएगा, निमोनिया भी हो जाएगा। ये ऐसे बीमारी आपकी बढ़ती है। बेटर ये है, आपका जो बलगम निकल रहा है, माना आपका डाइजेस्ट नहीं हुआ कफ, जो आपने आयल लिया, आयल अंदर डालना बंद और पुराना जो अंदर है अनडाइजेस्टेड बलगम वो शरीर निकाल देगा, क्योंकि अंदर शरीर में बैठा हुआ डॉक्टर। मैंने पहले बताया, कोई डॉक्टर किसी को ठीक नहीं करता, मैं भी नहीं ठीक करूंगा, आप भी नहीं करेंगे। आपके अंदर जो बैठा हुआ है परमात्मा रूपी जीवनी शक्ति, वाइटल पावर, वाइटलिटी, रोग प्रतिरोधक शक्ति, वही डॉक्टर है, वही आपका सहयोगी, वही आपका सच्चा मित्र, वही आपका स्वास्थ्य वर्धक है, स्वास्थ्य सेवक भी है, स्वास्थ्य रक्षक भी है। बस उसको आप एक ही चाहता है कि जब आपका ये रोग बढ़ जाए, बस यहां से डालना बंद कर दो, और हेल्प करना है तो इन्हीं में दे दो, रेस्ट कर लो, वो खुद कर लेगा। तो पहले उस जो गंदगी को बलगम के रूप में निकालेगा, और आप निकलने देना, मैक्सिमम मैंने क्या बताया, 1-2 दिन में निकल के सब साफ हो जाता है, और फिर लिवर स्ट्रांग हो जाता है, फिर आप डाइजेस्ट पावर बढ़ जाता है, फिर आप खा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, दूध व दूध से बनी मिठाइयाँ। जितनी भी मिठाइयाँ जो अधिक खाता है, समझ लो उनको कफ दोष और डायबिटीज, पेट के प्रॉब्लम संभव है, आज नहीं तो कल। जो भी अपन भोजन खाते हैं
उसके मध्य में जो भी अपन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट खाते हैं, माना डाइजेशन में हिंडर, कठिनाई, वहीं से रोग शुरू होना शुरू हो जाएगा। एक तो मिल्क अपना आहार है नहीं, वो दूसरे का आहार है, उसने जो बनाया है वो अपने बच्चों के लिए बनाया है, हम उनका आहार लेकर के स्वयं ले रहे हैं, तो रिजल्ट्स क्या मिलेगा वो आप खुद जानते हैं। क्योंकि उस मिल्क में जो कैल्शियम है वो इतना हेवी है कि अपन डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उनके बच्चे ही डाइजेस्ट कर पाते हैं। क्यों? कि उनके बच्चे जब जन्म लेते हैं और दूध उनका पीते हैं तो दो तीन दिन में दौड़ने और चलने फिरने हो जाते हैं, और हमारे बच्चे तीन छः छः महीने तक रेंकना भी नहीं शुरू करते हैं। क्यों? कि डॉक्टर भी बोलते हैं कि बच्चे को छः महीने तक मदर मिल्क देना, मदर मिल्क इतना उसमें डाइल्यूट रहता है, कैल्शियम इतना डाइल्यूट रहता है कि बच्चा इजीली एसिमिलेट कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। और अगर बाहर का दूध देते हैं ना, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, आज देंगे एक दो दिन के बाद देखना उसमें कफ दस्त उल्ट होंगे, आप तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएंगे, डॉक्टर दवाई देगा, उनका और रोग क्रॉनिक होता जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, ठंडी व फ्रिज की वस्तुओं का अधिक सेवन करना। जो फ्रिज की बर्फ की ठंडी जितनी भी चीज़ें हैं, जिनको कफ का प्रॉब्लम है, श्वास संबंधी प्रॉब्लम है, उसको तकलीफ मिलेगी, बहुत तकलीफ। आप उनसे पूछिए जिनको अस्थमा है, उनसे पूछिए जिनको ब्रांकाइटिस है, जिनको निमोनिया है, जो इनहेलर लेकर के अपना जीवन में, इनसे बहुत दूर रहते हैं वो, ज़रा सा अगर कोल्ड वातावरण भी आ जाए ना, दूर रहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, धुएं धूल व ठंडे वातावरण से वातावरण में अधिक समय नहीं रहना। चार कारण है, फिर से रिपीट करता हूं। पहला कारण है तेल व चिकनाई वाली वस्तुओं का अधिक सेवन, दूसरा है दूध व दूध से बनी हुई मिठाइयां, तीसरा है ठंडी व फ्रिज की वस्तुओं का अधिक सेवन, और चौथा है धुएं धूल व ठंडे वातावरण में अधिक समय रहना। इतना तो सब जान गए, या कोई इसमें शंका है, समाधान है, कुछ पूछना है तो समाधान कर लें। कफ के सिम्टम्स जान गए, बीमारी पहचानना जान गए, इनके कारण आप जान गए। अब आप आइए निवारण पे। निवारण वही दो तरीके से, एक प्राकृतिक औषधियाँ और दूसरा बाहरी उपचार। प्राकृतिक औषधियाँ इसकी नंबर वन पे है आंवला, माना विटामिन सी। विटामिन सी कफ का जानी दुश्मन है, जहाँ कफ दिखेगा और विटामिन सी गई उसको वहाँ से हटा देगा, रुकने नहीं देगा। और आंवला में ऐसा गुण है, वो जो कफ है वो निकलता है तो नीचे मल मूत्र के जरिए निकाल देता, ये इसमें गुण है। अब आप कहेंगे कफ में वैसे ही ठंडा और आंवला भी ठंडा, स्वाभाविक है, हम भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, और ये कैसे करता होगा? ये प्रूफ मैं आपको बताता हूँ, प्रूफ। लंग्स के ऊपर जो कफ है वो कैसे उखाड़ के मल के जरिए भेजता है। आपने फटे दूध का पानी बनाया, दूध को गर्म करने रखा, विटामिन सी नींबू निचोड़ दिया, फट गया, माना दूध में जो कफ था, पनीर था, चिकनाई थी, अलग हो गई, पानी अलग हो गया। उसी तरीके से जैसे ही यहाँ से अंदर गया विटामिन सी, चाहे नींबू पानी गया, चाहे संतरे का रस गया, चाहे आंवला गया, यहाँ से वो कफ को उतार देगा और तुरंत ही आपको राहत हो जाएगी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेने और प्रदान करने में। क्लियर? नेक्स्ट, लहसुन। लहसुन कफ दोष को, कफ को गला करके पसीने के रूप में निकालती है, पसीने के, कोई सा भी कफ हो, इवन टीबी के भी कीटाणु अगर हो ना, वो टीबी को भी, कीटाणु को मारने की इसमें शक्ति है लहसुन में। ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट को हम केवल लहसुन देते हैं और धूप सेवन करवाते हैं, उनके लंग्स मजबूत हो जाते हैं। नेक्स्ट है अदरक। अदरक ही कफ दोषों को ठीक करती है। अदरक लेना कैसे एक बार समझ लो, बहुत अच्छी मैं दवा बता रहा हूं। अदरक को आप 5-7 ग्राम ले लो, छील लो और थोड़ा कूट लो और गर्म करने रख दो पानी में,
जब उबलती उबलती उबल हो जाए नीचे उतार दो, उसको छान लीजिए। माना अदरक का पूरा एसेंस पानी में आ गया, उस पानी में एक नींबू निचोड़ करके डाल दीजिए और 2 चम्मच शहद के डाल दीजिए। ये आपका बन जाएगा मिक्सचर त्रिदोषक नाशक। आयुर्वेद बोलती है जितने 3 दोष हैं वात पित्त कफ, उनका नाशक जो है त्रिदोषक नाशक। आपने अदरक डाली जो गैस और कफ दोषों को दूर करता है, शहद कफ दोषों को दूर करता है, नींबू पित्त दोषों को ठीक करता है, वो त्रिदोषक नाशक। और वो पीने में भी बहुत अच्छा टेस्टी आएगा और चाय की आदत आपकी छूट जाएगी, चाय के जगह आप इसको ले सकते हैं। क्लियर? चलिए, आंवला हो गया, लहसुन हो गई, अदरक हो गई, अब आप आ जाइए उपचार पे। सबसे पहले नेति क्रिया और गरारे जो आप कर रहे हैं, कल मैं आपको यहां पर करके दिखाऊंगा गरारे और नेति क्रिया। नेति क्रिया कैसे करते हैं, पानी कैसे बनाते हैं, क्या डालते हैं, तो एक सावधानी तौर में मैं आपको समझा देता हूँ। पानी कुनकुना होना चाहिए और उसमें 1 चम्मच नमक डाल दीजिए। 2 तरीके से ले सकते हैं, एक तो जो आपके पास पॉट है यहाँ से पानी जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से जाएगा यहाँ। दूसरा, दोनों नसीका से पानी जाएगा, मुँह से निकल आएगा, वो दोनों कल मैं करके बताऊँगा आपको, ठीक है। चलिए, गरारे, पानी गिलास में ले लो कुनकुना, नमक डाल दो और गरारे कर लो, ये गला आपका साफ हो जाएगा, कफ इससे निकल जाएगा, लंग्स आपके इनसे मजबूत हो जाएंगे। नेक्स्ट है गरम पैर स्नान। सिंपल तरीका है, घर में एक बाल्टी लीजिए, गरम पानी डाल दीजिए सहने लायक, और एक कुर्सी पे आप बैठ जाइए, दोनों पैर बाल्टी में डाल दीजिए, गर्म वाले में। पैर डालने से पहले 1 या 2 गिलास पानी पीना है और सिर को गीला करना है और सिर पे ठंडे पानी की पट्टी रखना है। ये आपके सारे कफ दोषों के लिए रामबाण औषधि है। जितना भी कफ कोई सा भी है वो दूर हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाएगा, बीपी डाउन हो जाएगा, निद्रा बहुत अच्छी आएगी, अर्थराइट्स वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, ये कल सब प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट है धूप स्नान, ये भी मैं आपको कल बताऊंगा। अब तीसरा है छाती की लपेट। वो जो मैंने पेट की लपेट बताई थी ना, वही सेम सूती कपड़ा लेकर पानी में डुबो करके छाती में बांध दीजिए और ऊपर से ऊनी पट्टियां लपेट, ये भी कल आपको हम बता देंगे प्रैक्टिकल करके। नेक्स्ट है फोर्थ प्राणायाम। धीरे धीरे लंबा श्वास लेते जाइए, लंबा छोड़ते जाइए, एक नाक से लीजिए, दूसरे छोड़िए, दूसरे से लीजिए, तीसरे। प्राणायाम ये है, इससे आपके लंग्स मजबूत होंगे, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनेगी, तो जितने भी कफ के रोग हैं वो आपके इस प्राणायाम से दूर हो जाएंगे। ये भी 3-4 तरह के प्राणायाम कल बता देंगे आपको। उसके बाद है एनीमा। एनीमा लेने से भी कफ दोष में काफ़ी राहत मिलती है, बहुत अच्छी राहत मिल जाए। एनीमा तो ऐसा है कि कोई सी डिजीज़ हो, एनीमा लो, 50% प्रॉब्लम आपका उसी समय सॉल्व हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, कोई समझ में ना आए पूछ लीजिए, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। लक्षण है बलगम, सर्दी, जुकाम, खांसी, श्वास लेने में तकलीफ, ये 3 लक्षण हैं बीमारी पहचानने के लिए। इनके कारण तेल व चिकनाई वाली वस्तुओं का अधिक सेवन, दूसरा है दूध व दूध से बनी मिठाइयाँ, तीसरा है ठंडी व फ्रिज की वस्तुओं का अधिक सेवन, चौथा है धुएं धूल व ठंडे वातावरण में अधिक समय रहना, ये 4 कारण हैं। उपचार है, औषधि उपचार है आंवला, आंवले की रस, लहसुन, अदरक। उपचार है नेति क्रिया गरारे, गर्म पैर नहान, धूप स्नान, छाती की लपेट, प्राणायाम, एनीमा। माना आपका गैस का वात दोष क्लियर और कफ दोष क्लियर। वात दोष में आपने देखा, अगर बॉडी में कहीं दर्द है तो समझ जाएंगे वात दोष है, और इसकी मैंने 7 बीमारी आपको नोट करवा दी, ठीक है। बाकी जितनी बीमारियां बची आप काउंट कर लो, बीपी है, डायबिटीज है, कब्ज है, पेचिस है, लंग्स प्रॉब्लम है, कोई से भी अर्थराइट्स हैं, मोटापा है, माइग्रेन है, जितने भी रोग आप गिनवा लेंगे वो सारे के सारे इस पित्त दोष में आ जाएंगे।
माना पेट की खराबी। पेट बिगड़ा है तो सारे जो मैंने बीमारियां आपको बताई जो रही हुई हैं वो इसमें आ जाएंगी। अब आप अपनी अपनी बीमारियां पहचान लेंगे कि वो किस दोष के अंतर्गत आती है। अब जो पित्त दोष है उसका लक्षण क्या है, पहचानना क्या है। पहला है जलन, बॉडी में कहीं भी जलन, पेट में जलन, मूत्र त्याग करने के बाद जलन, मल त्याग करने में जलन, स्किन में कहीं से जलन, माना कहीं भी बॉडी में आपको जलन है, जलन है, जलन है, माना आपका पित्त दोष बढ़ा हुआ है, एसिडिटी बढ़ी हुई है। दूसरा इसका लक्षण है खट्टी डकारें, वो आपको ऊपर से ही महसूस करेगी। खट्टी डकारें आ रही है तो माना समझ लीजिए कि पित्त दोष बढ़ा हुआ है, पेट की खराबी है। तीसरा है शरीर में भारीपन, अगर शरीर में आपको भारीपन दिख रहा है समझ लो पित्त दोष बढ़ा है। भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद भी अगर आपको भारीपन आ रहा है मन आपका पेट खराब है, पेट संबंधी प्रॉब्लम है। क्लियर, ये तीन लक्षण समझ गए। ये सारे मुख्य मुख्य लक्षण बता रहा हूं मैं आपको, बाकी पूरी रामायण है वो नहीं बता रहा हूं। नेक्स्ट अब आप आ जाइए कारण, ये क्यों होता है वो समझ लीजिए। पहला है कारण गरम मसाले, लाल मिर्च, नमक, शक्कर और अचार बनाते हैं ना, ये पित्त दोष का मुख्य कारण है। जो ये चीज़ें लेते हैं माना आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तो पित्त दोष होना ही है, जलन होना ही है, एसिडिटी होना ही है, क्योंकि पूरा रक्त जो खराब होता है ना इससे ही होता है, सारी बीमारियां इससे ही होती है। दूसरा है नशेलीदार वस्तुएं, चाय, काफी, तंबाकू, बीड़ी और अल्कोहल माना दारू, ये अगर आप चीजें ले रहे हैं तो आपका पित्त दोष बढ़ रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा धीरे धीरे बिगड़ता जाएगा। तीसरा है मांस मछली अंडे, ये पित्त दोष बढ़ाने में इसका मुख्य हाथ है। चौथा है 24 घंटों में केवल 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 पक्व आहार लेना, कुक्ड आहार लेना, अपक्वार का अभाव, माना फल सलाद फ्रूट ना लेना, जो अल्कलाइन फूड है वो ना लेना और केवल पक्व आहार लेना। इससे रोग कैसे होते हैं, विज्ञान भी ये कहती है हमारे जो शरीर में जो ब्लड है जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है उसका जो पीएच वैल्यू है उसका जो स्वाभाविक है वो है 80% अल्कलाइन और 20% एसिडिक, और ब्लड रोज बनता है, रोज खर्च होता है, रोज डिस्ट्रॉय होता है, तो जो अपन भोजन करते हैं उससे ब्लड बनता है। अगर आप एसिडिक फूड ले रहे हैं तो एसिडिक ब्लड बनेगा, अल्कलाइन ब्लड ले रहे हैं, ठंडा भोजन ले रहे हैं तो ठंडा ब्लड बनेगा, तो अल्कलाइन फूड से अल्कलाइन ब्लड बनेगा और उसकी हमें शरीर में कितनी जरूरत है 80%, और एसिडिक फूड की कितनी जरूरत है 20%। परंतु हमारे जीवन में क्या है उल्टा, 80% से ज़्यादा एसिडिक फूड ले रहे हैं जिससे एसिडिक ब्लड बन रहा है और 20% से भी कम अल्कलाइन फूड ले रहे हैं जिससे ठंडा ब्लड बनता है, वो कभी कभी तो लेते भी नहीं है। तो इसका जो मुख्य कारण है पक्व आहार का अधिक सेवन, अपक्वार फल सलाद का अभाव। पांचवा है क्रोध, चिंताएं, गुस्सा, तनाव, ये पित्त दोष को बढ़ाता है। आप एक सेकंड के लिए किसी के ऊपर क्रोध कीजिए, उनको तो जो नुकसान होना है होता वो तो बाद में होगा, पहले तो हमारे शरीर में अंदर अग्नि जल गई, ब्लड में जो रेड ब्लड सेल कॉर्पस है कितने जल जाते हैं एक सेकंड के गुस्से से। तो इसलिए ये जो क्रोध और चिंताएं गुस्सा है ये कम कीजिए। नेक्स्ट है दवाइयों का अधिक सेवन, जितनी जितनी दवाइयां ज़्यादा लेते जाएंगे
आपका पित्त दोष बढ़ता जाएगा। दवाइयाँ, सारी दवाइयाँ गर्म रहती हैं और ये दवाइयाँ हमने बनाई हैं, मैंने फार्मेसी किया है और सारी मैंने दवाई बनाई हैं, सारी दवाइयाँ साइड इफ़ेक्ट करती है। कोई ऐसी दवाई नहीं है जो साइड इफ़ेक्ट नहीं करती है। तो दवाइयाँ जितनी हो सके उससे बचिए। नेक्स्ट है आपका सोच के वेग को रोकना, माना आपका जो मल त्यागने का जो ख्याल होता है, यहां से जब मल त्याग होता है तो यहां पर आपको इंडिकेशंस आता है कि टॉयलेट में जाना है, उसकी जो सूचना मिलती है हमें ना, उसको हम रोकते हैं, अभी नहीं बाद में जाएंगे। आपको स्वयं नहीं हो सकता, आपकी मजबूरी हो, किसी मीटिंग में बैठे हों, किसी ऑफिस में बैठे हों, किसी दुकान में बैठे हों, किसी मेहमानों के साथ बात कर रहे हैं, बाद में करेंगे। बच्चों का भी यही हाल है, स्कूल में बैठे हैं, उनको सोच का ख्याल आया, अब कौन जाए, दबा देते हैं, ये दबा 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 सोच के वेग को दबा दबा के बाद यहाँ आपका जो इंडिकेशन का जो ख्याल रहता है वो धीरे 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 शिथिल हो जाता है। वो जो नर्व आपको बता रही थी वो नर्व धीरे धीरे शिथिल हो जाती है और पता ही नहीं पड़ता है, कभी कभार मालूम पड़ जाए। तो किसी भी टाइप का अगर वेग है, जो नेचुरल वेग आ रहे हैं, उनको कभी मत रोकिए, चाहे सोच का हो, चाहे यूरिन त्यागने का हो, चाहे आपकी बवाई आ रही है वो हो, चाहे निद्रा आ रही है, चाहे छींक आ रही है, कोई सी भी हो, कभी मत रोकिए उसको, एज अ साइन सुबह आने दीजिए, ठीक है। ये इनके सात मुख्य मुख्य कारण है। अब अपन आइए निवारण पे। इसका जो निवारण है, और कल मैंने आपको बताए थे तीव्र रोग, जीर्ण रोग और घातक रोग। तीव्र रोग की मैंने चिकित्सा बता दी थी और घातक रोग जो मैंने बताए थे, कैंसर और टीबी। कैंसर का एक ही औषधि है, कोई सा भी कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, बोन कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, कोई से भी कैंसर हो, गेहूं के जवारे का आप रस रोज लेते जाइए, आपके कैंसर के कीटाणु किल होते जाएंगे। टीबी है, लहसुन का उपयोग करते रहिए, आपके टीबी के कीटाणु धीरे धीरे किल होते जाएंगे, ये उसकी औषधि है। अब जो बीच का जो बच्चा था, जीर्ण रोग, पुराने रोग, जिसके लिए मैंने बताया था कि इसका निवारण आपको कल बताऊंगा, तो इस पित्त दोष का जो निवारण है और जो जीर्ण रोगों का जो पुराने रोग हैं उनका निवारण, दोनों का एक है, वो मैं आपको बताता हूँ, वो आप समझते जाइए, अच्छी तरह समझिए, वो घर के हिसाब से समझाता हूँ। यहाँ तो आपकी अच्छी तरह शुद्धि हो जाएगी, उपचार हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ के स्वस्थ होने के बाद घर में बीमार न पड़े तो वो फॉलोअप करिए, और अगर पड़ जाते हैं तो कैसे अपने आप को स्वयं ठीक कर सकते हो। औषधियाँ, सबसे पहले तीन औषधियाँ हैं पित्त दोष की। पहली है फटे दूध का पानी। फटे दूध का पानी मैंने कल बताया था कैसे निकाला जाता है। एक पाव दूध लीजिए, गैस पे गर्म करने रख दीजिए, नींबू निचोड़ दीजिए और छान लीजिए, पनीर अलग कर दीजिए, किसी स्वस्थ व्यक्ति को दे दीजिए खा लेंगे, और आप उसकी दवाई ले लो। लीवर के लिए बेस्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया है, पेट के रोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, हर प्रकार के फीवर भी इससे दूर होते हैं। दूसरा है फलों व सब्जियों का रस, अनार का रस, नारियल पानी, पत्ता गोभी, लौकी आदि का रस, ये अल्कलाइन है, पित्त दोष को शमन करते हैं, पेट के रोगों को ठीक करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल को पूरा साफ करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है नींबू। नींबू दिखने में फ्रूट एसिडिक है, परंतु नींबू पानी लेने से अंदर वो अल्कलाइन माध्यम में कन्वर्ट हो जाता है और पेट के सारे रोगों को वो ठीक करता है। विटामिन सी अगर बहुत ज़्यादा वाली लेनी है तो आप आंवले का रस ले लो, तुरंत पेट साफ हो जाएगा, आधे घंटे में हो जाएगा। जूस, ये आपकी औषधियाँ हो गई। अब आप आइए इसका उपचार में। पहला उपचार है पित्त दोष, मैंने पहले ही बताया था, जलन गर्म, पेट आपका गर्म ही होगा, इसमें सोचना ही नहीं है।
तो पेट को ठंडक पहुंचाना कैसे? गीले नैपकिन से, अस्थमा में पी सकते हैं। गीला नैपकिन से आप पेट को ठंडा करिए, या यहाँ पर आपको मिट्टी पट्टी से देते हैं उससे पेट को ठंडक पहुँचाइए, या ठंडा कटी स्नान। ये तीनों कल मैं यहाँ पर आपको करके दिखा दूंगा, ये आपको अंदर ट्रीटमेंट सेक्शन में देंगे, घर में भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है रीढ़ स्नान। रीढ़ स्नान माना नर्व को टोन अप करना। कल मैंने आपको बताया था कि रोग दो जगह से अंदर आता है, एक मुख से, एक यहाँ से। यहाँ से माना पूरा नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम है। अगर आपकी बॉडी में नर्व कमज़ोर हैं, जिस जिस अंग की, वो अंग आप सही उसका चलना नहीं होगा। अगर जिस अंग की नर्व सुन हो जाती है, वो लकवा हो जाता, पैरालाइट हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर के अंग और बाहर के अंगों को चलाने वाला ये नर्वस सिस्टम है। जिस जिसका जितना नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होगा, उतना दौड़ भाग काफ़ी तेज़ी से करता होगा। तो रीढ़ स्नान देना है, माना यहाँ पर जो रीढ़ की मेन है, ब्रेन से नर्व निकलती है और गुच्छे के गुच्छे रूप में जो स्पाइन है, इसमें से निकल के पूरे शरीर में फैल जाती है और लास्ट में दोनों पैरों में चली जाती है। इस नर्वस सिस्टम का जो मेन और मुख्य उपचार है वो है रीढ़ स्नान, माना रीढ़ को ठंडक पहुंचाना। यहाँ रीढ़ स्नान देते हैं, आपको देंगे, घर में रीढ़ की पट्टी रखेंगे, कैसे रखेंगे वो कल मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है? बस इतना समझ लीजिए कि रीढ़ स्नान। नेक्स्ट है तीसरा नंबर, व्यायाम, योगासन, प्राणायाम, ध्यान। अगर आप कुक्ड आहार ले रहे हैं एक टाइम भी, तो आपको व्यायाम करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, सभी करना पड़ेंगे। इसके डिटेल कल प्रैक्टिकल। चौथा है आवश्यक विश्राम, माना गहरी नींद, कम से कम 6 से 8 घंटे वाली। आपकी जितनी बिना सपनों वाली गहरी नींद आएगी, उतने आपके शरीर के अंदर के रोगों का उपचार होता रहेगा। ये रात को होता है, आपने खुद एक बार उदाहरण से देख ही लिए। एक छोटा शिशु है, मुश्किल से 1 महीने का, अगर उसकी नींद अच्छी होती है, वो 20-22-23 घंटे नींद करता है, तो वो हेल्दी होता है। और जिस बच्चे की नींद खराब हो जाती है, तो वो अस्वस्थ रोता रहता है, बढ़िया वो बेकार। तो नींद बहुत ही अच्छी आवश्यक है हमारे लिए करना, शरीर की एनर्जी बढ़ाने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए, पूरे शरीर को शिथिल करने के लिए, और जितने अंगों के अंदर सफाई कार्य होता है निष्कासन का, वो नींद में होता है। आप देखते हो रात को भोजन खाया, आप रात को सो गए, और कैसे वो आपका तैयार होकर के जो मल है वो निष्कासन जगह पहुंचते हैं, और सुबह उठते हैं आपको टॉयलेट जाना पड़ता है। तो नींद बहुत जरूरी है, आवश्यक विश्राम। तीसरा है एनीमा लेने से आपके पेट के रोग ठीक हो जाते हैं। अब अपन जो यहाँ बार बार बोल रहे हैं शरीर शुद्धि, ये शरीर शुद्धि और रोग निवारण शिविर है, तो शरीर शुद्धि का मतलब क्या, किसकी शुद्धि? पेट की शुद्धि। तो पेट में भी क्या, पेट में बहुत सारे हैं, स्टमक है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, लीवर है, ये सब है, ये पूरा पेट में ही है। आमाशय की शुद्धि होगी तो पाचन शक्ति बढ़ेगी, आपका डाइजेशन पावर बढ़ेगा, जो भी खाएंगे हजम हो जाएगा। किसकी शुद्धि? जनरली वैसे कहेंगे तो लोग बाहरी शुद्धि तो करते हैं, स्नान स्नान करके साबुन वाबुन लगा के और बढ़िया होते हैं, अंदर किसकी शुद्धि? एक उदाहरण से समझा देता हूं। आपका बाथरूम है, नहाते हैं, पानी निकल के चला जाता है। सपोज वहां का चोक जो है ब्लॉक हो जाए, और नहा रहे हैं, पानी बढ़ रहा है, भर रहा है, और चोक नहीं खुल रहा है, पानी आपके दूसरे रूम और किचन में आना शुरू हो जाएगा ना। आप वाइपर से कितना भी करिए, कब तक करते रहेंगे? यही है ना, अपन को चोक खोलना है तो सही समझदारी है। तो आपका जो रोग का जो मुख्य कारण है, ये बड़ी आंत जहाँ पर ब्लॉकेज है, पूरा खाना खा करके यहीं से निकलता है,
यहीं से आपका रोग शुरू हो जाता है और यहीं से आपकी ब्लॉकेज है, इसको साफ करना है। पेड़ की जड़ को पानी दीजिए, पेड़ आपका हरा भरा दिखेगा। तनों और पत्तों को पानी देने से कोई मतलब नहीं है। शरीर की शुद्धि माना बड़ी आंत की शुद्धि, या इसके लिए तो यहाँ एनिमा है, कोलोन हाइड्रोथेरेपी है। आप देखिए कैसे कोलोन हाइड्रोथेरेपी लेते हैं, पूरी आंत को साफ कर देते हैं, बढ़िया है व्यवस्था। आपको कल परसों दिखाए होंगे ना सारे हमारे जितने भी उपकरण हैं। अब आप देखिए कैसे इससे साफ होती है, ये है देखो अंदर से साफ। ये थोड़ा पोर्शन कटा हुआ है, जो ये भरी हुई रहती है ना, ये जो देखते हैं ना ये कैसे करवट बनने पड़े, यहाँ तक पूरी इतने मल सालों के भरे रहते हैं, सूखे रहते हैं और अंदर बैक्टीरिया बन जाते हैं और अपनी कॉलोनी बना देते हैं, पलते रहते हैं उनके बच्चे बच्चे सब, और वो अपन को धीरे धीरे छना छना तकलीफ देते हैं, जो दवाइयों से हम उसको शांत करके बैठे, भाई बैठे रहो आपको जो कुछ करना करते रहो। और मल एक बीच से एक छोटा सा पैसेज बन जाता है, वहाँ से निकलता रहता है और अपन को ये लगता है कि पेट साफ हो गया। नहीं, ये आंत जिसकी जितनी खाली होगी उतना वह बलशाली, स्ट्रांग, तेजोमय, इंटेलिजेंट। आप देखें होंगे जो गुफाओं में साधु संत रहते हैं, कितना इंटेलिजेंट, कोई उसे सामने बात नहीं कर पाता है, इतनी ताकत रहती है उनको, पूरा ज्ञान रहता है, अपना ज्ञान सर्व इस मल के कारण दबा रहता है। तो अपन को जो शुद्धि करनी है वो इसकी करनी है, बड़ी आंत की करनी है, बड़ी आंत की, क्योंकि रोग यहीं से होता है। मल नहीं निकलता है, यहीं पर ही आपको जलन होगी, यहीं पर आपके मत्स्य होंगे, यहीं पर आपकी बवासीर होगी, यहीं पर आपका फिक्चर होगा, और यहीं से फिर मल वापस भरता 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 पूरा वापस आता जाएगा। यहां से आपका क्लियर हो गया, ये ऊपर ऑटोमेटिक अपने आप चला जाता है। अपन जो एनिमा देते हैं ना, वो सिर्फ इतने छोटे से पोर्शन को खाली करने के लिए, और वो जैसे ही खाली हो जाता है, ये वैक्यूम की दृष्टि से नीचे आ जाता है मल और बाहर निकल जाता है। तो अपन को एनिमा की बात नहीं डालनी है, परंतु फिलहाल जो अपना ब्लॉकेज है उसको क्लियर करते हैं। क्लियर? तो शुद्धि जो करनी है इसकी करनी है। तो आपसे एक निवेदन है, अगर आपको वास्तव में सच्चा लाभ चाहिए तो यहां पर आप 3 टाइम एनिमा लीजिए, सुबह, दोपहर और शाम, और एक टाइम में भी 3-3 बार लीजिए, टोटल 9 बार। कल कैसे लेंगे वो समय बता दूंगा आपको, क्योंकि आपका जो अंदर ब्लॉकेज है कम से कम वो तो साफ हो जाए। घर में आप कहाँ कर पाएंगे इतना? अभी आए हो ग्रुप में, अच्छा है, यहाँ डॉक्टरों की टीम है, स्टाफ टीम है, सेवाभावी कर्मचारी हैं आपके साथ सर लगे हुए हैं, आपको मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। दूसरा कहीं भी ध्यान मत दो, ये 7 दिन पूरा जिस पर्पज़ के लिए आए हो वो पर्पज़ सॉल्व कीजिए। मैंने पहले ही बताया था 2 उद्देश्य से आप आए हैं, एक तो शरीर की शुद्धि हो जाए और दूसरा घर जाने के बाद बीमार न पड़े, और पड़े तो घर में कैसे स्वस्थ, वो चैप्टर कल शुरू होगा दूसरा वाला। क्लियर? याद है? क्लियर? आगे बढ़े। एनिमा के बाद आता है अपक्वार, ताजे फल व सलाद। अब आप मेन आपको मैं बताऊं क्या है हमारा जो रोग का कारण, मैंने बताया था, एक तो यहां मुख से जो आते हैं, जिस तरह का अपन भोजन लेते हैं उस तरह से हमारा बूढ़ा बड़ी एलिमेंट्री कैनाल डैमेज हो जाता है। अपक्वार एक ऐसा आहार है जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स जिंदा मात्रा में रहते हैं, जो हमारे इंटरनल अंगों के लिए भोजन है। जब अग्नि के संपर्क में आते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं, तो वो उनका आहार जो अंदर अंगन नहीं मिल पाता है। दूसरा, अपक्वार में रेशे ज़्यादा रहते हैं, रफेज ज़्यादा रहता है, झाड़ू ज़्यादा हैं जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल को सफाई करते हैं। तो अपन सांसारिक प्राणी हैं, मैं या केंद्र या संस्था ये नहीं कहेगी आपको पूरे जीवन भर पर अपक्वाहार लीजिए, नहीं, एक बीच का रास्ता निकालेंगे जिसमें एक टाइम आपका अपक्वाहार रहेगा, एक टाइम आपका पक्वाहार रहेगा। क्योंकि विज्ञान की दृष्टि से या स्वास्थ्य की दृष्टि से अपन को 20% तो एसिडिक फूड चाहिए, बाकी अल्कलाइन चाहिए। तो ऐसा नहीं कि अपन को कुक्ड आहार से बिल्कुल छुटकारा पाना, नहीं, उसको भी लेना है। कितना लेना, कब लेना, कैसे लेना है वो जब नेक्स्ट में कल बताऊंगा डाइट थेरेपी में, तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो ये अपक्वार फिलहाल आप ये मान के चलिए कि हमें अपक्वार मैक्सिमम ज़्यादा लेना है, शरीर की शुद्धि हो जाए फिर चलेंगे अपन। नेक्स्ट है घर्षण, सूखी मालिश, फ्रिक्शन। जो लोग व्यायाम नहीं कर पाते हैं उनके लिए मालिश मसाज आपको यहाँ करवाते हैं, आपको सबकी होती होगी मसाज, होगी भी वो हुई है ना आज है,
तो मालिश सभी की होगी, ऐसे नहीं है सबकी। मालिश से देखो कितना लाभ मिलता है, अच्छी है मालिश, और घर में कैसे मालिश करते हैं वो भी तरीके आपको हम समझा देंगे। तो ये आप पूरा का पूरा क्लियर हो गया पित्त दोष। कल जो मैंने बताए थे तीन रोग के, तीव्र रोग, जीर्ण रोग और घातक रोग, तीन दोष बताए थे। और आज मैंने जो तीन दोष बताए ये चिकित्सा क्रम है, पूरा पूरा का पूरा चिकित्सा क्रम है। इसमें आप आसानी से समझ सकते हैं, बीमारी पहचान सकते हैं, उसका कारण जान सकते हैं, निवारण जान सकते हैं। और कल से आपका बहुत ज़रूरी है, मैं आज की उसकी रूपरेखा और टेलर थोड़ा बता देता हूँ और वो आप समझ लीजिए। कल का जो टॉपिक होगा प्रैक्टिकल होगा, ये क्या लिखा है, घर पर ही स्वस्थ रहने व रोग निवारण के सरल 10 उपाय। सरल उपाय से क्या मतलब, ऐसे उपाय जो एकदम सरल हो, एकदम सुलभ हो, एकदम सस्ते हो, एकदम हानि रहित हो, एकदम जड़ से रोगों को ठीक करने वाले हों, और दूसरा ये रोग निवारण के सरल उपाय बिना किसी दवाई के, बिना किसी डॉक्टर के, बिना किसी पैथोलॉजी टेस्ट के, बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी उपचारक के, बिना किसी सहयोगी के, बिना किसी बड़े उपकरणों के, बिना किसी पैसों के और बिना किसी अतिरिक्त समय के, समय की बहुत वैल्यू है, केवल सरल घरेलू उपलब्ध साधनों के द्वारा स्वयं ही करना है। और कैसे करना है ये कल से इसका सेशन शुरू हो जाएगा। कल समय से आइए और समय पर ही हम आपको छोड़ देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको जो नेक्स्ट जो है आपका जूस है, जूस के बाद उपचार हैं, वो आपको टाइम से मिले और वो भी आप लीजिए, वो भी बहुत फ़ायदे करते हैं। तो ज्ञान भी ज़रूरी है, डॉक्टर बनना है, थ्योरेटिकल तो लगभग आप मोटे मोटे पे डॉक्टर बन गए, इतना तो पहचान लेंगे बीमारी अपनी। और निवारण जो कल प्रैक्टिकल से शुरू होगा, एपरेटस यहाँ पर लगा करके आपको बता देंगे हॉस्पिटल में कैसे उपचार होता है और घर पे कैसे हो जाएगा। हॉस्पिटल ये सेवाभावी हॉस्पिटल है, आप बिल्कुल आइए, आपकी अच्छी सेवा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु हम तो कहते हैं यहाँ से स्वस्थ हो जाने के बाद आप बीमारी न पड़े, उद्देश्य तो हमारा यहाँ संस्था का, ये हमारे सिद्ध स्वामी जी का और सिद्ध सिद्ध बाबू जी का यही है कि आप लोगों को दवाइयों और दवाइयों के साइड इफेक्ट से बचाना है, स्वस्थ जीवन जीने की ऐसी कला सिखानी है, जब तक आपका जीवन रहे आप स्वस्थ रहो, यही हमारी संस्था का केंद्र का उद्देश्य है। कोई हमें आप लोगों से पैसे खींचना लेना उद्देश्य नहीं है, आप लोग आइए सरल तरीका सीख के जाइए और अपने शरीर की शुद्धि आप करवा के जाइए, अच्छी बात है, और बाकी फिर घर में भी कर सकते हैं। ये देख लीजिए आपकी पूरी पिक्चर, स्वस्थ रहने व रोग निवारण के घरेलू सरल, घर पर ही स्वास्थ्य, हेल्थ एट होम, घर पर ही प्राकृतिक चिकित्सा, नेचर क्योर एट होम, ये चिकित्सीय उपचार है जो आपको देते हैं यहाँ पर। मिट्टी पट्टी, ठंडा कट स्नान, गर्म पहनान, रीढ़ स्नान, ये सारे घर में ये कैसे किए जाते हैं, कल दोनों कंपेयर करके करके दिखाते जाएंगे, इनके विधि लाभ गुण सब बता दिए जाएंगे और ऐसे बता दिए जाएंगे जो आपको दिमाग में याद होते जाएंगे। तो कल आप ध्यान से रखिए, कल परसों नर्सों, ये तुम 20-21 है, इसमें सब चीज़ें हैं, दवाइयाँ अंग्रेजी दवाइयों की जगह पर कौन सी दवाइयाँ हैं, डाइट थेरेपी, जूस थेरेपी, यौगिक क्रियाएँ, फिजियोथेरेपी, सुजोग, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, जीएच पैक व किडनी पैक, मालिश, कोलोन हाइड्रोथेरेपी, मड बात, ये सारे के सारे कल आपको शुरू हो जाएंगे। यहाँ जितने भी बताए जाएंगे प्रकृति के नियमों के अनुसार बताए जाएंगे, प्रैक्टिकल कर दिखाए जाएंगे। आप तो स्वयं अपना डॉक्टर बनिए, आप जो हमने कहा मेरे ऊपर भी विश्वास मत कीजिए, आप नींबू पानी लेके देख लीजिए, एक दिन, दो दिन, तीन दिन आप देख लीजिए। कुछ कुछ लोग बोलते हैं साहब नींबू पानी लेने से हमारे रोग बढ़ जाते हैं, दर्द बढ़ गए, बढ़ते हैं मालूम है, क्यों कि उस नींबू में दो चीज़ें हैं,
एक साइट्रिक एसिड है और दूसरा विटामिन सी है। विटामिन सी क्या करती है, रोगों को तेजी से बाहर फेंकती है, तो उससे अपन को ऐसा लगता है कि उभाड़ आ गया, उभाड़ आ गया, तो अपन वो सहन नहीं कर पाते। तो उस समय क्या करना चाहिए, तो जो नींबू पानी अपन ले रहे हैं वो नींबू कुनकुने पानी में लेना चाहिए। जैसे ही कुनकुने पानी में आपने लिया तो विटामिन सी नष्ट हो जाएगी, विटामिन सी को जरा सी भी हीट लगी नष्ट, मान वो फिर काम नहीं करेगी। तो उसके अंदर बाकी जो साइट्रिक एसिड बचा है ना, वो आपके ब्लड को प्यूरीफाई करेगा, वो आपको रोगों को ठीक करेगा, बस इसका क्लियर यही। तो जो गर्म पानी में नींबू लेंगे पूरे जहां को वो एसिमुलेट कर लेता है, और जो जिनको अर्थराइट का प्रॉब्लम है उनको सूट नहीं करता है, कारण यही है। सूट क्या, वो तो सिर्फ बीमारी को तेजी से निकालता है बस। तो ये क्लियर, कल आपके सब चलेंगे, एक एक चीज आप भले बीच बीच में पूछते रहिए, मैं आपका सब समाधान करता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं।